रक्षाबंधन स्पेशल बनाते हैं, आम की लाजवाब सी बर्फी। रक्षाबंधन है आने वाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ आम की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें आपको ना कोई तामझाम करना है, ना ही बहुत सामग्री की ज़रूरत है। सिर्फ 2 से 3 आइटम से ही आपकी ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध, और दूध में हम 1 उबाल आने देंगे। तब तक हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खूब सारे आम ले लिए हैं, लेकिन सारे आमों का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ हम 2 आमों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों आमों को काट के हम इसका पल्प पूरा हम निकाल लेते हैं। तो इसी पल्प से हम बनाएंगे लाजवाब सी मिठाई। तो इसका सारा पल्प हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने आम को काट के एक बाउल में रख लिया है, और अपना हम इधर दूध चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दूध में 1 उबाल अच्छा से आ गया है। हमने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो कर दिया है, और इसको हम आराम से अच्छे से धीरे धीरे उबाल लेंगे। लेकिन बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा दूध नीचे से लग जाएगा। तो जब तक दूध हमारा पक रहा है, तब तक थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मिक्सी के जार में मैंने 15-16 काजू डाल दिए हैं, इनको एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने रफली काट के रख लिए हैं इनको गार्निश करने के लिए। तो जो मैंने काजू पीसा था, इसी जार में हम आम डाल के इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने आम का पेस्ट बना लिया है, और इधर दूध भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसी में डालेंगे हम 4 बड़े चम्मच चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि आम भी मीठे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे 1.5 कटोरी भर के नारियल का बुरादा, जिसे कहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 और आधी कटोरी, और इसको खुबड़े से करते हैं मिक्स। तो देखिए, नारियल का बुरादा डालने से दूध हमारा थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। तो अब इसी में डाल देंगे हम अपना आम और काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बाकी जार में हमारा जितना पेस्ट लगा है, सारा पेस्ट हम निकाल के इसी कढ़ाई में डाल देंगे। और अब इसको हम चलाते हुए ही पकाएंगे, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे कभी फ्लेम को हम हाई करेंगे, कभी लो करेंगे, लेकिन इसमें छींटे बहुत उड़ते हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक देखिए ढक्कन ले लिया है, जिससे छींटे मेरे ऊपर ना आए। ये मिठाई खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, और ये बन भी बहुत आसानी से जाती है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि छींटे बहुत उड़ते हैं। और अब इसमें हमने डाल दिया है 3-4 ड्रॉप येलो फूड कलर, जिससे हमारे मिठाई का कलर बिल्कुल आम के जैसा हो जाए, क्योंकि आम की बर्फी है, आम पे जैसे कलर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए हमारी मिठाई कितनी बढ़िया लग रही है, डिलीशियस सी। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में उतनी ही टेस्टी मिठाई है। अगर इस रक्षाबंधन आप इस मिठाई को बना के खिलाएंगे ना, तो आप भी खुश हो जाएंगे, और अपने भाई और बच्चों को खिलाएंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार हुई, और घर में बनी है, इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध मिठाई बनकर तैयार हुई है, वही बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिठाई हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी ये डो फॉर्म में नहीं आया है, तो इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी मिठाई डो फॉर्म में नहीं हो जाती है। तो जब तक आप मिठाई को पका रहे हैं, तब तक आप इधर पे जिसमें आपको इसको सेट करना हो, उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के ग्रीस कर दें, और थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें। तो यहाँ पर मैंने डब्बा पहले से तैयार करके रख लिया था, क्योंकि मिठाई सेट होने लगती है जल्दी से ही। तो देखिए हमारी मिठाई डो फॉर्म में आ गई है, तो इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, तो यानी हमारी मिठाई सेट होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम गैस करते हैं बंद, और इसको 1-2 मिनट ऐसे ही अच्छे से चला देंगे, ताकि मिठाई में थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हमें सेट करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने टिपन ले लिया है, आपको जिसमें सेट करना हो उसको आप पहले से ही ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर मैंने घी से ग्रीस कर लिया, और नीचे थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, ताकि जब मिठाई निकालें तो इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो अच्छे इसमें सेट हो जाएँ। तो देखिए अपने बैटर को भी हमने इस टिपन में डाल दिया है, और ऊपर से इसको हम अच्छे से चिकना कर देंगे। तो ये देखिए, हमने अपनी मिठाई को कुबड़े से चिकना कर दिया है, और इसको हम बाहर में ही छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए। आपको जल्दी है तो आप इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने इसको किचन में ऐसे काउंटर पर छोड़ दिया है, तो मिठाई हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे 2 टिपन में मिठाई बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए 1.5 से 2 घंटा हो गया है, हमारी मिठाई कुबड़े से सेट हो गई है। अब इससे पहले किनारे को हम थोड़ा सा चक्कू से छुड़ा देते हैं, ताकि हमारी मिठाई निकालने में ईजी रहे, ये बहुत आसानी से निकल जाती है। तो इसको थोड़ा सा उल्टा करके हम टैप टैप करेंगे, और हमारी मिठाई निकल के आ गई बाहर। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही मिठाई हमारी। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जितनी खूबसूरत दिख रही ना, ये उससे ज़्यादा टेस्टी खाने में है। तो एक बार बना के खाना तो दोस्तों बनता है, अभी आम मार्केट में मिल रहे हैं, तो एक बार ला के इस मिठाई को आप बनाइए इस रक्षाबंधन में, और इन्जॉय करिए।
ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो देखिए हमारी मिठाई कितनी खूबसूरत लग रही है, लग रही ना, ये महंगी मिठाई हमने मार्केट से ली है। आप यकीन माने दोस्तों, जिसको मिठाई खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ तो करेगा ही, लेकिन आपसे पक्का पूछेगा कि आपने मिठाई कहाँ से ख़रीदी है। ये इतनी टेस्टी और खूबसूरत लगती है ना कि कोई यकीन नहीं करेगा आपने इस मिठाई को घर पर बनाया है। तो देखिए हमने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है, कितनी टेस्टी लग रही मिठाई हमारी। तो ऐसे ही अपनी हम दूसरे टिफिन की मिठाई भी निकाल के प्लेटिंग कर देते हैं उसकी भी। तो यहाँ पे हमारे देखिए दो आम से लगभग 1 kg मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो इस रक्षाबंधन इस मिठाई को बनाना ना भूलें दोस्तों, ये बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है। एक आपको हम तोड़ के भी दिखाते हैं, ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है, मुँह में रखते ही मिठाई घुल जाएगी। देखिए कितनी मुलायम से हमारी मिठाई बनी है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी दोस्तों अच्छी लगती है तो बना के खाइए ज़रूर और लाइक से सब्सक्राइब करिए।